तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने YouTube चैनल को YouTube स्टूडियो ऐप के मदद से मोनेटाइज कर सकते हो। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। देख सकते हैं ये मेरा एक दूसरा YouTube चैनल है जिसमें कि मुझे मेल आ चुका है कि मेरा जो क्राइटेरिया जो है 4000 और 1000 सब्सक्राइबर का वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग आ चुके हैं अभी YT स्टूडियो ऐप में। यहाँ पे देख सकते हैं हमें अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाया जा रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे जो रिक्वायरमेंट जितना भी थी वो सब हमारी कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच आवर, नो कम्युनिटी गाइडलाइन, एक्टिव स्टाइक, 2-स्टेप वेरिफिकेशन। तो हमारे जो चारों स्टेप है वो टिक आ चुका है। तो अभी हम अपने यूट्यूब को मोनेटाइज के लिए भेज सकते हैं, रिव्यू के लिए भेज सकते हैं। तो आइए इस प्रोसेस को लाइव आपके सामने मैं आज करके दिखाने वाला हूँ YT स्टूडियो ऐप के मदद से। रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स, तो आपको स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने पूरे टर्म एंड कंडीशन आ गई है कि हमें किस किस चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। जैसे कि आप लोग को पता होगा आपकी वीडियो यूट्यूब टर्म एंड सर्विस को फॉलो और यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम जो पॉलिसी है इन दोनों को फॉलो करना चाहिए, तभी जाके आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो आप इन सब को पढ़ लीजिए, पढ़ के आपको सबसे नीचे आ जाना है। आई एक्सेप्ट दी यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स को टिक करके एक्सेप्ट में क्लिक करना है। आपके सामने सेकेंड स्टेप खुल के आ जाएगा, साइन अप फॉर गूगल एडसेंस। तो आपको इसके ऊपर भी स्टार्ट का ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने ऑप्शन खुल के आ जाएगा, डू यू हैव एन एडसेंस अकाउंट। अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट है तो आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट पहले से नहीं है तो आप नो के ऊपर क्लिक करके अपना एक नया एडसेंस अकाउंट बनाएंगे। तो हमारे पास जो है एडसेंस अकाउंट पहले से है तो हम यस में क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। चूज ऑन अकाउंट, तो आपको आपके एडसेंस का जो मेल आईडी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा गूगल एडसेंस की साइट पे। यहाँ पे आपको एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है। कुछ ही समय टाइम लेने के बाद ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपकी यूट्यूब में। तो यहाँ पे आपको सिंपली वेट करना है, आपको रिडायरेक्ट बटन नहीं दबाना है, ऑटोमेटिकली आपको जो है रिडायरेक्ट कर देगा आपके यूट्यूब में। प्रोसेसिंग के बाद हमारा जो सेकेंड स्टेप जो है डन दिखा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड स्टेप है गेट रिव्यू में चला गया इंस्टेंट। तो चलिए एक बार हम YT स्टूडियो ऐप को ओपन करके देख लेते हैं कि वहाँ पे हमें मोनेटाइज सक्सेसफुल अप्लाई हुआ कि नहीं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों की मदद से हुआ है। तो हम एक बार अपनी एप्लीकेशन में चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे भी हमें गेट रिव्यू दिखाया जा रहा है और हमारे पास जो है एक मेल भी रिसीव हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपनी यूट्यूब चैनल गाइस अप्लाई कर सकते हैं अपनी YT स्टूडियो ऐप के मदद से। ये जो फ्यूचर जो है नया लॉन्च किया गया है यूट्यूब की तरफ से, तो मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है इस वीडियो में। आप इस प्रोसेस को फॉलो करके आपकी यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं अपनी यूट्यूब ऐप की मदद से। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।